मैं राजस्थान का औद्योगिक शहर अलवर बोल रहा हूँ। राजस्थान की पूर्व दिशा में बसा हुआ मैं अलवर नाम से जाना जाता हूँ। अपने सुंदर किलों, झीलों एवं मेरी विरासत की हवेलियों के लिए मैं अरावली की गोद में बसा एक ऐसा शहर हूँ जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए खूब प्रसिद्ध है। मुझे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। मैं राजस्थान का एक ऐसा जिला हूं जिसमें एक लोकसभा क्षेत्र भी है। मुझे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। मेरा शहर हिंदू बाहुल्य है। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर तथा दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। मुझे राजस्थान का स्कॉटलैंड तथा पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। मैं 8,380 वर्ग किलोमीटर में फैला हूं। मेरे अंदर करीब 4,60,000 लोग निवास करते हैं। मैं जनसंख्या के मामले में राजस्थान में 8वें नंबर पर आता हूं। दिल्ली के निकटतम होने के कारण मैं पूर्णतः दिल्ली एनसीआर में शामिल हूं। प्राचीन काल से मेरे प्रमुख हिस्से मत्स्यनगर, अरवलपुर, उलवर, शालवापुर, सलवार, हलवार और अन्य नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दूं, मेरी स्थापना 1775 में राव राजा प्रताप सिंह ने की थी तथा राजगढ़ को अलवर की राजधानी बनाने के साथ ही नरुका वंश की स्थापना की थी। महाभारत काल के समय में मत्स्य जनपद का मैं हिस्सा था जिसकी राजधानी बैराट थी। बैराट वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है जिसे आज विराट नगर के नाम से जाना जाता है। मेरी कुछ यादें महाभारत काल से भी जुड़ी हैं। मेरे ही सरिस्का जंगलों में पांडवों ने अपना अज्ञात वास काटा था। मेरे अंदर बहरूड़, नीमराना व मुंडावर का क्षेत्र मुझमें एक अलग ही प्रभाव रखते हैं। मेरा नाम एक अरबी भाषा का शब्द है। मुझे मेव राजपूत नाहर खां के वंशज अलावल खान ने अपनी राजधानी बनाया था। उन्हीं के नाम पर मेरा नाम अलवर पड़ा। मेरे प्रमुख तथ्यों की अगर बात की जाए तो मैं राजस्थान के सबसे अधिक विदेशी कंपनियों वाला जिला हूं। मुझे यह गौरव प्राप्त है एवं भारतीय नोटों की छपाई में काम आने वाली इंक का कारखाना मेरे भिवाड़ी में स्थित है। इसी के साथ मेरे अंदर स्थित राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी, मेरी जमीन में उपजे हुए प्याज को बांग्लादेश, नेपाल एवं अफगानिस्तान तक भेजा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक माचिस बॉक्स बनाने के कारखाने मेरे अंदर ही हैं। साथ ही मेरे यहाँ का मिल्क केक पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। बाकी राजस्थान में इसे अलवर पाक के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन मेरे यहाँ होता है, इसलिए मुझे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेरे भपंग वाग्य यंत्र राजस्थानी लोकगीत की पहचान है। यह मेवाती संस्कृति की धरोहर है। इस वाद्य यंत्र के उस्ताद जहूर खान मेवाती माने जाते हैं। मेरे प्रमुख मेलों की अगर मैं बात करूं तो भरथरी का मेला, नारायणी माता का मेला, चंद्र प्रभु का मेला, बलारी माता का मेला एवं हनुमान जी का मेला प्रमुख है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने। सबसे पहले चलते हैं नारायणी माता मंदिर। नारायणी माता मंदिर भारत में सैन समाज का एकमात्र मंदिर है जिसकी पवित्रता माउंट आबू, पुष्कर जी और राम देवरा के मंदिरों के समान मानी जाती है। यह मंदिर सैन समाज के लिए उनके आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। मेरे यहाँ के इस मंदिर में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। उसके बाद चलते हैं भरतरी जी की समाधि। आपको बता दूं, योगीराज भरतरी उज्जैन के राजा थे जिन्होंने सरिस्का के जंगलों में समाधि ली। इसे भरतरी समाधि के नाम से भी जाना जाता है। साल में दो बार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा एवं वैसाख पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। योगीराज भरतरी नाथ संप्रदाय से भिक्षुत हुए थे। ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और ये आज भी जीवित माने जाते हैं। अब चलते हैं तिजारा जैन मंदिर। यह मंदिर मेरी इन तिजारा की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में जैन धर्म के 8 तीर्थकर चंद्र प्रभु की प्राचीन प्रतिमा स्थित है। मेरे यहाँ के प्राचीन लोगों का कहना है कि प्रतिमा मेरे डोरा गांव के किसान को हल जोतते समय प्राप्त हुई थी। मेरे
प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करूं तो सर्वप्रथम आता है बाला किला। इस किले को मेरे नाम अलवर किला के रूप में भी जाना जाता है। बाला किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हसन खान मेवाती ने करवाया था। ये किला मेरे शहर के ऊपर अरावली रेंज में स्थित है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले पर मराठा, यादवों और कछवाहा राजपूतों का शासन भी रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार मेरा किला राजा की ताकत हुआ करता था। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मूसी महारानी जी की छतरी। मूसी महारानी जी की छतरी मेरे शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी छतरियाँ देखने को मिलेंगी। ये छतरियाँ करौली के संगमरमर से बनी हुई हैं। इन छतरियों की आकृति बड़ी ही सुंदर लगती है। आपको बता दूं, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तियार सिंह और उनकी पत्नी मूसी रानी की स्मृति में महल के पीछे सागर तट पर करवाया था। अब हम चलते हैं जय समंद झील। हरी भरी पहाड़ियां केवल मेरे मुख्य शहर में ही नहीं है, मेरे पास के इलाकों में भी अनेक सुंदर झीलें और पहाड़ियां हैं। यहाँ घूमने का सबसे उपयुक्त समय मानसून है। मेरे नगर के सबसे करीब जय समंद झील है। इसका निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने 1910 में पिकनिक के लिए करवाया था। उन्होंने मेरे इस झील के बीच में एक टापू का भी निर्माण करवाया था। झील के साथ वाले रोड पर केन से बने हुए घर बड़ी ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मेरे इस झील का सबसे सुंदर नजारा है। मेरा जय समंद रोड बहुत ही परेशान करने वाला है, अतः जय समंद, सिलीसेड और अलवर घूमने के लिए मैं आपको ऑटो के स्थान पर टैक्सी लेने की सलाह दूंगा। सिलीसेड झील, यह झील मेरी सबसे प्रसिद्ध एवं सुंदर झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। इस झील के चारों ओर आपको हरी भरी पहाड़ियां मनमोहक दृश्य प्रदान करते हुए मिलेंगे। वर्षा ऋतु में मेरे यहाँ बड़े ही सारे पर्यटक घूमने और सेल्फियां लेने आते हैं। सिलीसेड झील में मगरमच्छ भी रहते हैं, इसलिए मेरे यहाँ के संरक्षक द्वारा झील में तैरने पर पाबंदी लगा रखी है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मेरे शहर के सिटी पैलेस। सिटी पैलेस मेरे शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इस महल को विनय विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल मेरी अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर बना हुआ है, जो बड़ा ही सुंदर है। महल में आपको सुंदर छतरियां देखने को मिलती हैं, जो अलग अलग डिजाइन में है। महल के पीछे आपको तालाब भी देखने को मिलेगा। इस महल का निर्माण मेरे यहाँ के राजा बख्तियार सिंह ने 1793 में करवाया था। ये महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का मुख्य उदाहरण है। ये मेरे यहाँ जो भी राजा राज करता था उसका निवास स्थान हुआ करता था, परंतु वर्तमान में से जिला प्रशासनिक कार्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। अब चलते हैं विजय सागर पैलेस। मेरे इस पैलेस का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ये महाराजा जय सिंह का आवास था। इस इमारत का ढांचा परंपरागत इमारतों से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर एक राम मंदिर भी है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। मेरा सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1978 में बाघ परियोजना योजना रिजर्व का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर आपको बाघ, चीता, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, नीलगाय, मोर, मगरमच्छ, लंगूर, जंगली सुअर और बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में 2005 में सभी बाघ गायब हो गए थे, लेकिन 2008 में पुनः बाघों का दोबारा पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आप जब भी मुझे निहारने आ रहे हैं तो इस उद्यान में जाना न भूलें। पुरजन विहार। इस बगीचे का निर्माण राजा सुदाम द्वारा करवाया गया था। बाद में इसे बगीचे में एक और बगीचे का निर्माण किया गया, जिसे शिमला पार्क कहा गया। इसका निर्माण मंगल सिंह ने करवाया था। इसके बाद अंग्रेजों ने मेरे इस शिमला पार्क का नाम बदलकर कंपनी गार्डन कर दिया था। अब चलते हैं कंकवाड़ी दुर्ग। मेरे इस दुर्ग की स्थापना सवाई राजा जयसिंह प्रथम ने की थी। औरंगजेब ने गद्दी की लड़ाई के दौरान अपने भाई दारा शिको को कुछ समय के लिए इस किले में कैद रखा था। राजगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग मेरे राजगढ़ शहर में स्थित है। इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी, तथा आपको बता दूं मेरी प्रथम राजधानी राजगढ़ ही थी। मैं आपको लिए चलता हूं मेरे भोतिया किले के नाम से जाने जाने वाले भानगढ़ के किले में। मेरा यह किला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेरा यह किला अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। इस किले के उजड़ने से संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। फिलहाल मेरे इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग
द्वारा सूर्यास्त के बाद मेरे क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। अब चलते हैं फतेह जंग का मकबरा। मेरा यह मकबरा चौकोर आकार में बना हुआ है और 5 मंजिला है। इस इमारत का निर्माण खानजादा फतेह जंग खान की स्मृति में वर्ष 1547 में कराया गया था। मेरा यह मकबरा बहुत सुंदर है। मकबरे के अंदर आपको पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगी। मकबरे के अंदर आपको कब्र देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। झिलमिल देह झील अजबगढ़। मेरे थाना गाजी रोड पर यह झील चारों ओर से अरावली श्रृंखलाओं से घिरे अजबगढ़ बांध के एकदम नीचे स्थित है। यहाँ पर एक छोटा सा घाट बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में वर्षा के अभाव में ये मेरी झील अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में लगी है। इस झील की तरफ भारत की जानी पहचानी 5 सितारा होटल अमनबाग होटल है, जो विदेशी पर्यटकों को अजबगढ़ बहानगढ़ की ऐतिहासिक धरा पर बुलाने के लिए विश्वविख्यात है। मेरे यहाँ के मानसून के जादू की तो मैं बात ही क्या करूं। मानसून में मेरे शहर की पहाड़ियां हरियाली से भर जाती हैं, झीलें पानी से लबालब हो जाती हैं और पहाड़ियों से गिरते जल स्रोत मेरे शहर की निराली छटा प्रस्तुत करते हैं। मेरे दक्षिण पश्चिम की तरफ 45 किलोमीटर दूर ताल वृक्ष नाम की जगह है। वर्षा ऋतु के समय यहाँ घूमने का अपना ही आनंद है। सरिस्का अलवर रोड पर कुशलगढ़ से 10 किलोमीटर का रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। इसी रास्ते पर गंगा मंदिर है और गर्म ठंडे पानी के जल स्रोत। मेरे मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर नतनी का बरन गांव है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नालदेश्वर नामक जगह है। ये दोनों जगह अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ शिवलिंग भी है, जिसे आप अवश्य देखें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। मेरे अलवर की विरासत की अगर मैं बात करूँ तो सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासत नीमराणा रंद हिल फोर्ट कैसरोली मेरे शहर से 12 किलोमीटर दूर है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी में किया गया था। अब यही एक होटल में बदल चुका है। इसमें 21 कमरे हैं। इन कमरों के नाम बड़े ही राजसी शैली में रखे गए हैं, जैसे हिंडोला महल और सितारा महल। जब मेरे शहर में पर्यटकों की संख्या कम होती है तो 1 मई से 31 अगस्त तक यहाँ आने वालों को 20-40% की छूट भी दी जाती है। इस समय कमरे को सुबह 1 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए किराए पर लिया जा सकता है और इस पर होटल 60% की छूट भी देता है। होटल ऑटो की सवारी के लिए भी प्रबंध करता है। इसे भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक विरासत कहा जाता है। जहां पर रुक सकते हैं, यह होटल एक पहाड़ी पर बना है। इसका परकोटा 214 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण यदुवंशी राजपूतों ने 14वीं सदी में करवाया था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप भी यहाँ आए तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रहे। मेरे यहाँ के खाने की यदि मैं बात करूँ तो मेरे नगर में बहुत से अच्छी रेस्तरां हैं, जिनमें से एक है प्रेम पवित्र भोजनालय। ये अपनी राजस्थानी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर पालक पनीर, कढ़ी पकौड़ी, गट्टे की सब्जी और मिस्सी रोटी के लिए। भोजन की विविधता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कहाँ ठहरते हैं। इन सब के अलावा मेरे यहाँ का मिल्क केक बड़ा प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे कलाकंद के नाम से भी पुकारते हैं। कलाकंद के लिए ठाकुरदास एंड सन्स की दुकान पूरे अलवर नगर में प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ का कलाकंद पूरे देश में बड़ा पसंद किया जाता है। मेरे यहाँ के पहनावे की यदि मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ के निवासी धोती कुर्ता तथा साफा पुरुष पहना करते हैं, जो कि एक रौबदार पहनावा है। मेरे अलवर और राजस्थान को खूब भाता है तथा स्त्रियां लहंगा लुगड़ी पहनती हैं। यदि आप मुझे देखने आ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच में आ सकते हैं। इसे घूमने का उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन मेरा मानसून का समय भी बड़ा ही मनमोहक है। ये आपको मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। और अगर मेरे शहर में आ रहे हैं तो परिवहन की जानकारी भी आपको देता हूँ। अगर आप मेरे यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो रेल मार्ग द्वारा आसानी से आ सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ये नियमित रेल मेरे यहाँ से चलती रहती हैं। वहाँ अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो मेरे शहर का निकटतम हवाई अड्डा सांगानेर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।